बताइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। रविवार को छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कर्री गांव में 33,000 केवी की हाई टेंशन तार के आपस में टकराने के कारण आग लग गई, जिससे खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने फोन पर बिजली आपूर्ति ठप कराकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि दोपहर करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते नाथूराम कोंदर के खेत में तार से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई। आसपास के लोग कुछ समझ पाते कि आग से पूरी फसल जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। ग्रामीणों के प्रयास से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। हमारी ये नुकसान हो गया लाइट की टकराने से और ये फसल का नुकसान हो गया पूरी। लगभग कितनी फसल? लगभग ये 20-25 क्विंटल। वो तार टकराने और एकदम से झाड़ छोड़ दी, एकदम से लफाल ले गई। आप जानकारी कैसे मिली? यही काट रहे थे बांध रहे थे। फोन कर दो बेटा, फोन कर दो। कितना नुकसान हो गया आपको? अब बेटा अब नुकसान तो नहीं, नुकसान होगा 20 क्विंटल को। 20 क्विंटल पटवारी को। जब तक करीब 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। मौके पर पहुंचे पटवारी ने पंचनामा बनाकर राहत राशि दिलाने की बात कही है। किसान ने अब सूचना मिली जैसा ही तो अपन आ गए मौका पर बनाने के लिए। लोगों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि बिजली के कारण शॉर्ट सर्किट होने के कारण, माने तो लोगों ने बताया 25 से 30 क्विंटल का लगभग बताया है। छतरपुर से कमलेश चंद्रपुरिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।